हेलो फ्रेंड्स, योयो रेसिपी से मैं प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। अरबी 500 ग्राम, कटे हुए प्याज 1 कप, कटे हुए टमाटर 1 कप, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी धनिया की पत्तियां कटी हुई 1/4 कप, ऑयल 4 से 5 बड़े चम्मच, अजवाइन 1 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो आइए अब हम अरबी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसे बनाने के लिए हमने कच्ची अरबी ली है और इसको हमने छील के पहले से तैयार करके रखा हुआ है और अब हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। इसको काटने से पहले हम सबसे पहले हाथों में अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जब भी आप कच्ची अरबी को छीलें या काटें तो आप हाथों में अच्छे से ऑयल ज़रूर लगा लें, वरना हाथों में अरबी की वजह से इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है, जो कि बहुत देर तक हाथों में रहती है। अगर आप ऑयल लगाएंगे अच्छे से, या आप ग्लव्स पहन लें, और अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आपको इचिंग नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अरबी को लंबा लंबा और पतला पतला काट लेंगे। ये देखिए, हमने अरबी को लंबा और पतला काट के तैयार कर लिया है और अब हम अरबी की सब्जी बनाएंगे। अरबी की सब्जी बनाने के लिए ये देखिए, हमने कढ़ाई ली है, हमने गैस ऑन कर दी है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल, ये देखिए, हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें अरबी को डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी अरबी थोड़ी पक नहीं जाती। हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी अरबी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको हल्का फ्राई किया है ताकि हमारी अरबी अच्छे से पक जाए। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसी कढ़ाई में अजवाइन डालेंगे और अब हम इसमें हींग भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारी अजवाइन अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। ये देखिए, हमारे प्याज अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमने अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी भून लिया है और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हमारा तेल है वो कढ़ाई की साइड नहीं छोड़ देता। ये देखिए, जो हमारा टमाटर प्याज का मसाला है ये अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल अलग से नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें जो हमने फ्राई की हुई अरबी है उनको हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। और
और अब हम इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए हमारी अरबी को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। हमारी अरबी ने भी अच्छे से मसाला सोख लिया है और अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिए की पत्तियां डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारी अरबी मसाला की सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए हमारी अरबी मसाला की सब्जी बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अरबी को छीलें और काटें तो आप हाथों में ऑयल अच्छे से ज़रूर लगा लें या फिर आप ग्लव्स पहन के इसे काटें, वरना आपके हाथों में बहुत इचिंग हो सकती है जो कि बहुत देर में जाती है। आप इसे बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।